हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो चलिए चांदनी चौक की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मीठे के साथ, और ये मीठा है दौलत की चाट। ये विंटर्स में मिलने वाली डिश है जो कि सिर्फ चांदनी चौक में मिलती है दिल्ली में। आप ज़रूर ट्राई करना इसको, मुँह में घुल जाएगी आपके। पहले क्या होता था ना कि हम लोग हल्दी मेहंदी बस ऐसे ही घर में सेलिब्रेट कर लेते थे, और सिर्फ शादी और सगाई का फंक्शन ही जो है मेन माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग हल्दी और मेहंदी में भी बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप यहाँ से बहुत सारी सिस्टीज बहुत ही कम प्राइसेस में बाय कर सकते हैं। 100 रुपीज़ में 12 टीके मिल जाते हैं, बहुत ही रीज़नेबल है। और भी मैंने बहुत सारा कलेक्शन देखा, जैसे ब्लाउजेस का कलेक्शन, ये भी आपको हर जगह मिल जाएगा। 200 से स्टार्टिंग प्राइस है इनकी, और आप ट्राई कर लेना। अगर आपको कुछ इस तरीके का स्टफ़ लेना हो तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। और देखिए, चांदनी चौक तो जाना जाता है लहंगे के लिए, और हर ब्राइड चाहती है कि वो चांदनी चौक से अपनी शॉपिंग करे अपने लहंगे की। क्योंकि देखो, शॉप्स पे नॉर्मल अगर आप अपने नियर बाय लोकल मार्केट में जाते हो तो आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे चांदनी चौक से। अगर आप ब्राइडल लहंगे की बात करें, नॉर्मल कपड़ों की बात नहीं मैं करी, ब्राइडल लहंगाज में चांदनी चौक में बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। इनफैक्ट पैन इंडिया से भी लोग परचेज करने यहाँ पर आते हैं। और अगर मैं ब्राइडल लहंगा के अलावा बाकी ड्रेसेस की बात करूँ तो प्राइसेस मुझे, ये देखो, ऐसा नहीं मैं कहूँगी बहुत सस्ते लगे। मतलब कुछ ड्रेसेस मैं जैसे लोकल लेकर शॉपिंग करती हूँ कमलानगर मार्केट से, तो अगर मैं ड्रेस के प्राइसेस को कंपेयर करूँ तो कुछ प्राइसेस मुझे कमलानगर में सस्ते लगे, बल्कि चांदनी चौक से। मैं कई ड्रेसेस के प्राइसेस पता कर रही थी तो वो लोग बोल रहे थे 30,000 से स्टार्ट है या 40,000 से स्टार्ट है। तो मैं सरप्राइज हो रही थी कि इतने पैसे पे करने तो हम चांदनी चौक क्यों आए यार, भीड़ भाड़ में और अपना कन्वेंस लगा के। इससे अच्छा अपनी लोकल मार्केट से क्यों ना हम खरीद लें। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा लगा, मतलब हर चीज़ सस्ती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। इस पर्टिकुलर शॉप की मैं अगर बात करूँ तो मैंने इनसे पूछा था कि आपकी ड्रेसेस की जो है प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट है, तो इन्होंने कहा था 30,000 to 40,000, जो कि मुझे थोड़ा कॉस्टली साइड लगा। क्योंकि इतना ही अगर मुझे पे करना है तो मैं नियर बाय से ही अपनी लोकल मार्केट से ही लेना पसंद करूँगी। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले गए सोनाली का लहंगा लेने के लिए, क्योंकि वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उस दिन। तो बाकी कुछ कलेक्शन मैंने शूट किया आप लोगों के लिए। तो ये हम अंकल की शॉप पर आए हैं। हाँ जी, मेरे डैडी के फ्रेंड हैं जिनकी शॉप है चांदनी चौक में, तो वहीं से हमने परचेज़ किया था। तो पहले तो हमने खूब सारा खाया पिया, चांदनी चौक की कुछ स्पेशल वैरायटीज़ अंकल ने खिलाई, स्पेशली ये कचालू वाली चटनी। ओ माय गॉड, इसकी खटास अभी भी मेरी ज़बान पर आ रही है, बहुत ही टेस्टी थी। गला ख़राब था फिर भी मैंने जमकर खाई, जमकर। और उसके बाद अंकल ने मुझे अपनी शॉप बड़े अच्छे से दिखाई, और सुमंगल साड़ीज़ के नाम से इनकी शॉप है, और बहुत अच्छा अंकल के पास कलेक्शन है। अगर आप चांदनी चौक में जाएं तो डेफिनेटली इनसे बाय कर सकते हैं। और अंकल ने बहुत ही अच्छे से मुझे अपनी पूरी शॉप का टूर कराया और बहुत अच्छे से दिखाया। और अंकल ने कहा ये भी लो, ये भी लो, ये भी शूट करो, वो भी शूट करो। मैंने अंकल को बोला, अंकल देखो मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बस छोटा सा एक चैनल स्टार्ट किया है। बट फिर भी अंकल का जो जेस्चर था वो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू अंकल। और उन्होंने बहुत मुझे, मतलब बड़े ही प्यार से, कि ये भी देखो हमारे पास ये भी वैरायटी है, दिखाओ वीडियो में और बनाना वीडियो, मुझे लिंक भी शेयर करना, मुझे ज़रूर डेफिनेटली भेजना, मैं आपकी वीडियो देखूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी दिन पहले की ये वीडियो बनी हुई है, बट क्या करूँ मैं बना नहीं पा रही हूँ, थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है। सोच रही सोनाली की शादी तक अपना पहले काम सारा निपटा लूँ, तो इसी वजह से YouTube पर अभी ध्यान नहीं दे पा रही। बहुत सारी वीडियोस मेरे पास है, कंटेंट है, लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। अभी भी शायद 10-11 दिन का गैप तो आ ही गया है इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे। और अभी आप इसका कलेक्शन देखिए, इस शॉप का कलेक्शन देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगाज आपको पार्टी वेयर यहाँ से मिल जाएंगे, ब्राइड के लिए भी, उनकी सिस्टर्स के लिए भी, उनकी मदर्स के लिए भी, और छोटे बच्चों के लिए भी। हर तरीके का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। प्राइस रेंज स्टार्ट है 4,000 रुपीज़ से, आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन्हें बताना कि आपने मेरी वीडियो से आप देखकर आए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताना कल ने आपको डिस्काउंट दिया या नहीं। और देखिए वैरायटी, डेफिनेटली अंकल की शॉप पे काफ़ी अच्छे लहंगा थे, बहुत अच्छे वैरायटी थे। और सोनाली ने बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा यहाँ से परचेज किया है, जो कि आपको सोनाली की वेडिंग में ही देखने को मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाने वाली, तो सरप्राइज़ है, देखिए ये बता दूंगी तो फिर देखो ब्राइड भी नाराज़ हो जाएगी ना। चलिए आप लहंगा देखिए।
मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश की है, मे बी हो सकता है वॉइस ओवर में मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ जो आप देखना चाह रहे हो, या आपके घर में शादी है, फंक्शन है, आप जैसी चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, हो सकता है वैसा कोई डिज़ाइन आपको क्लिक कर जाए, तो इसलिए मैंने जितना भी हो सके मैंने शूट किया। तो आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छे लगे, मेरे थोड़े से भी एफर्ट अच्छे लगे, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ये कहना शायद बहुत ज़रूरी भी होता है, मैं बोलती नहीं हूँ तो लाइक ही नहीं आते बहुत सारे लोग। अरे हाँ, एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरी वीडियोस हैं वो टीवी में देखते हैं, और वो कहते हैं हमें लाइक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता है, आप लाइक कर सकते हैं टीवी में भी, अगर आपको नहीं आ रहा है करना तो आप फ़ोन में भी एक बार चला लीजिए और वहाँ से लाइक कर लीजिए, लेकिन लाइक ज़रूर करिए। आप लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को आगे रिकमेंड कैसे करेगा, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भले ही मेरी वीडियो को टीवी में देख रहे हैं, लेकिन एक बार फ़ोन में ओपन कर भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। देखिए कलेक्शन, लहंगा परचेस करने के बाद फिर हम लोग वापस जा रहे थे, थोड़ी रात भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चांदनी चौक की थोड़ी गलियां आप लोगों के लिए शूट करूं। तो आप देखिए, ये होती है चांदनी चौक की रौनक रात को, ऐसा लगता है चांदनी चौक। बहुत ही अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पे ड्रेस मिलेगा, ट्रेडिशनल भी मिलेगा, वेस्टर्न भी मिलेगा, मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। और चाहे मेहंदी का फंक्शन हो, हल्दी का फंक्शन हो, आपको ज्वेलरी लेनी है, नेक पीस लेना है, आपको चूड़ियाँ लेनी है, आपको सब कुछ मिलेगा, ब्लाउज़ वगैरह, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको चांदनी चौक में मिलेगा। डैडी भी हमारे साथ आए थे, क्योंकि डैडी के फ्रेंड की शॉप से ही हमने बाय किया था, और ये आदि, डैडी और सोनाली हैं स्कूटी पर, और मैं, मम्मी और लीशा हैं रिक्शे में। तो हम इस तरीके से जा रहे थे और मैं पीछे बैठी हुई थी और वीडियो शूट कर रही थी। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, डर भी लग रहा था गिर ना जाऊँ। और आप चांदनी चौक की एक बार रौनक देखिए, कितना सुंदर व्यू है यार। चांदनी चौक तो बिल्कुल बदल ही दिया है इन लोगों ने, कितना सुंदर बना दिया है। मतलब गाड़ी वगैरह की एंट्री नहीं है ना, सिर्फ ये रिक्शा वगैरह ही चलते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत। आप आना ज़रूर चांदनी चौक, और अगर विंटर्स में आ रहे हो तो दौलत की चाट ज़रूर खाना, क्योंकि विंटर्स में ही मिलने वाली वैरायटी है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर दी थी, सॉरी की थी। थोड़ा क्रीम जैसा टेक्सचर होता है, और इसका मैं बहुत फूडी हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक फूड ब्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी चांदनी चौक का, मेरी एक बड़ी विश है। क्योंकि नहीं भी गई ना, मैं अकेले जाकर बना लूँगी, लेकिन मैं डेफिनेटली ना एक फूड, मतलब एक ब्लॉग ज़रूर बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं चांदनी चौक की कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी और रिएक्शन देकर बताऊँगी कि कैसा है। तो आपको कैसी लगी चांदनी चौक की गलियाँ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो कैसा लगा, मैंने कुछ ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की आज, थोड़ा अलग वॉइस ओवर करने की कोशिश की, मेरे एफर्ट कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताना। ये है कटरा नील वाली गली, इनके बाहर ही एक अंकल बैठे थे जहाँ से हमने शगन के लिफाफे लिए। चलिए अब आप अपना ख्याल रखिए, हम लोग जल्दी ही मिले नई एक अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।